यार एक ऐसा क्वेश्चन जिसका बच्चे लोग इंतजार करते हैं, उन्हें कुछ समझ नहीं आता है एक्चुअली में ना। इस क्वेश्चन को मैं, आप लोगों ने पढ़ तो लिया ही है, क्यों मैं फॉर्मेलिटी करूँ, ये सब आपने पढ़ तो लिया ही है। इस क्वेश्चन को समझाने से पहले एक आपको इसको मैं प्रैक्टिकली समझाऊँ कि ये प्रैक्टिकली हम इस क्वेश्चन को कैसे समझ सकते हैं। कोरोना जब आया था ना, तो कोरोना के टेस्ट वगैरह भी होते थे। कितनी बार ऐसा हुआ था कि भैया उन्होंने बोल दिया यार तुम नेगेटिव हो, और बाद में पता लगा पॉजिटिव है, या पहले बोल दिया पॉजिटिव है और बाद में पता लगा कि नेगेटिव नहीं, इससे ये पता लगा मशीन सही नहीं बता पाती है। तो अब हमारे पास कोरोना के टेस्ट करने वाली काफ़ी सारी मशीन है। मैं एक मशीन को लेके आ गया। अब ये क्वेश्चन समझना, यहाँ पे कोरोना को हटा के एचआईवी की बात कर रहा हूँ, एचआईवी टेस्ट की, ठीक है। जैसे हमारे पास एक मशीन है, बहुत सही मशीन, 100% रिजल्ट सही देती है, 100%। मैं इस क्वेश्चन की भूमिका बना रहा हूँ, समझो इस क्वेश्चन को। एक मेरे पास मशीन है जो 100% करेक्ट आंसर देती है, ठीक है। एक मशीन पे मुझे डाउट है, तो ये डाउट वाली मशीन को लेके आए, क्योंकि डाउट है वही तो प्रोबेबिलिटी है। अगर हमको पता है कि ये मशीन भाई तो 100% सही बताएगी, तो ना क्या ही प्रोबेबिलिटी, ठीक है। अब हम मशीन को चेक कर रहे हैं, एक ओरिजिनल मशीन थी, उससे मैंने एक बंदे का एचआईवी टेस्ट कर लिया। अब मुझे पता है रियल में कि ये पॉजिटिव है या नेगेटिव। अब मैं गया जिस मशीन पर डाउट है, मैं उससे मैंने पूछा, मैंने कहा तुम बताओ कि इसे क्या एक्चुअली में क्या बात समझ आ रही है। अब बस इतनी बात समझना, कह रहे हैं कि और पीपल हैविंग एचआईवी 90% ऑफ टेस्ट डिटेक्ट द डिजीज, मतलब जिन लोगों को एच आई वी है, बहुत से बच्चों को डाउट यहीं से होता है, जिन लोगों को एच आई वी है, हमने पता कर लिया किस मशीन से, ओरिजिनल वाली मशीन से हमने पता कर लिया कि इन बच्चों को भाई साहब एच आई वी है। अब उस वाली मशीन के पास गए, तो वो कह रही है कि 90% डिटेक्ट कर पाएगी कि इनको एच आई वी है, 10% को कह देगी भाई तुम्हें एच आई वी नहीं, क्योंकि वो गलत बता रही है। समझो, मैंने 10 लोगों का एचआईवी टेस्ट कराया ओरिजिनल मशीन से, उसने कहा कि ये सब पॉजिटिव है। अब मैं उनको ले गया अपनी वाली मशीन जिस पे हमें डाउट है, वो कह रही है कि 10 में से 9 को एचआईवी है, 1 नेगेटिव है, तो मतलब गलत बता रही ना, ठीक है। तो वो कह रही है मतलब 90% टेस्ट डिटेक्ट कर पा रही, मतलब जाँच कर पा रही कि हाँ ये एचआईवी है, और 10% कह रही है अनडिटेक्ट, मतलब 10% को नेगेटिव बता रही है, जबकि हमको पता है कि भाई साहब वो एचआईवी है, ठीक है। और पीपल फ्री फ्रॉम एचआईवी, जिनको एचआईवी है ही नहीं, मतलब उनको एच आई वी नेगेटिव है, एच आई वी नहीं, तो ये मशीन 99% तो सही बता रही है कि हाँ भैया तुम नेगेटिव हो, लेकिन 1% से कह रही है कि भाई साहब तुम एच आई वी पॉजिटिव हो, यस और नो, मतलब मशीन गलत बता रही है। फिर ये कह रहे हैं कि एक लार्ज पॉपुलेशन, कितनी पॉपुलेशन हमको नहीं पता, इसी क्वेश्चन को मैं 10th क्लास के हिसाब से भी करके बताऊंगा और 12th के हिसाब से, ठीक है। कह रहे हैं एक लार्ज पॉपुलेशन में 0.1% लोगों को एच आई वी है, कैसे पता किया, और ओरिजिनल वाली मशीन से हमने पता कर लिया। फिर कह रहे हैं कि जितनी जनसंख्या उसमें से केवल 0.1% लोगों को एच आई वी है, फिर हमने 1% को सिलेक्ट किया उस जनसंख्या में से, 1% को सिलेक्ट किया, और ओरिजिनल वाली मशीन से जो पैथोलॉजिस्ट होते हैं उन्होंने बताया कि हाँ भैया इसको एच आई वी है, इसको एच आई वी है, कैसे पता किया, हमने अपनी मशीन से पता कर लिया। लेकिन क्या संभावना है कि उसको एक्चुअल में एच आई वी है, क्योंकि ये मशीन तो गलत भी बता रही है। क्या मैं समझा पा रहा हूँ, ज़्यादा डीप में तो नहीं हम लोग जा रहे हैं, सिंपल सी बात समझो कि एक जनसंख्या है उसमें से 0.1% लोगों को एच आई वी है, एक आदमी का मैंने टेस्ट किया वो एच आई वी पॉजिटिव है। अब मैं लेके गया अपनी मशीन के पास, क्योंकि वो तो झूठ भी बोल रही ना, तो क्या संभावना है कि वो मशीन सही बता देगी कि उसको एक्चुअल में एच आई वी है, क्या चमका। इस क्वेश्चन को 10th के हिसाब से करते हैं, बकवासगिरी छोड़ो 10th के हिसाब से करते हैं। एक गाँव है, मान लो गाँव की जनसंख्या 1 लाख, समझा रहे हैं ऐसी आपको, ठीक है भैया। चलिए जी, 1 लाख जनसंख्या है, हमें नहीं पता इसमें कोई डाउट होना चाहिए कि सर 1 लाख ही क्यों लिया, कि सॉल्व करने में आसानी हो जाएगी, तुम ले लो 99.99 ले लो, उससे आंसर थोड़ा उसमें आएगा। कह रहे हैं कि 90% ऑफ डिटेक्ट द डिजीज, क्लियर है। अच्छा, इससे पहले एक चीज़ ये भी समझो कि 0.1% लोगों को ही तो एच आई वी है, तो इतनी जनसंख्या में से 0.1% ही क्या है पॉजिटिव है। तो अगर मैं आपसे बोलूँ 1 लाख का 0.1%, तो कितना हो गया, मतलब 100 लोग क्या है एच आई वी पॉजिटिव है इस गांव में 1 लाख में से, फिर कितने परसेंट एच आई वी नेगेटिव है, माइनस करो तो 999 इतने लोग क्या है एच आई वी नेगेटिव है, यस और नो। अच्छा, 100 लोगों को एच आई वी है, हमने पता कर लिया ना। अच्छा, अब हम ले गए इस मशीन के पास, ये कह रही है जिनको एच आई वी है, तो ये केवल 90% ही तो बता पा रही है, यस और नो। 100 लोगों को एच आई वी पॉजिटिव है, लेकिन ये मशीन कह रही है कि 90% लोगों को ही एच आई वी, तो 100 का 90%, 90% को ही तो पॉजिटिव बता रही है, बाकी 10 लोगों को ये क्या बता रही है, नेगेटिव बता रही है। क्या मैं समझा पा रहा हूँ, ऐसे यहाँ पे आ जाओ भाई साहब,
ये लोग एचआईवी नेगेटिव है, मतलब फ्री फ्रॉम एचआईवी, इनको एचआईवी नहीं है। तो ये 99% तो कह रही है कि तुम नेगेटिव हो, लेकिन 1% को क्या बता रही है, एचआईवी पॉजिटिव 1% को। तो अगर मैं इसका 1% निकालूं तो ये इतने लोगों को अभी भी कह रही है कि ये क्या एचआईवी पॉजिटिव है, और नेगेटिव कितने को बता रही है, इससे ये माइनस कर दो। तो माइनस करना हम लोगों को आता है, तो 9 तो 10 में से 9 गया 1, 9 से 9 गया 0, 18 में से 9 गया 9, भैया देखे रहना यार, ठीक है। तो इतने लोगों को क्या बता रही है ये, क्लियर है, ठीक है। क्लास 10th के हिसाब से बेस थ्योरम को मारो गोली, हम अपने तरीके से सॉल्व करें, ठीक है। अब ये कह रहे हैं इधर हम लोगों ने इस सारी कंडीशन हमने निकाल ली, कह रहे एक हमने रिपोर्ट करी कि भाई उस आदमी क्या है एचआईवी पॉजिटिव है, यस और नो, तो इसी की तो बात कर रहे हैं। जो एक आदमी सिलेक्ट किया, अगर समझना, एक आदमी हमने जैसे 100,000 जनसंख्या है, इसमें से 100 ये लोग हैं जो एचआईवी पॉजिटिव है, बाकी एचआईवी नेगेटिव है। कह रहे हमने जनसंख्या में एक आदमी सिलेक्ट किया और वो क्या है पॉजिटिव, तो मतलब पक्की बात है यहीं से आया होगा, 100 में से ही तो आया होगा यार, ठीक है। फिर कह रहे हैं कि वो एक्चुअल में एचआईवी है, एक्चुअल में क्या है वो एचआईवी, 100 लोगों में एक्चुअल में एचआईवी वाले कितने हैं, यही तो हमको चाहिए। तो आंख बंद करके इसको क्या रख दो, ऊपर रख दो, जो चाहिए उसको ऊपर रखते हैं, समझो ना बात को यार। एक बंदा उठाया एचआईवी पॉजिटिव है तो पक्की बात 100 में से ही होगा कोई, और वो रियल में एचआईवी है, रियल वाले कितने हैं, और टोटल में क्या होगा, सारे एचआईवी पॉजिटिव, एक तो 90 पॉजिटिव है और ये पॉजिटिव, दिस इज योर आंसर, खत्म, यही आंसर आ रहा होगा, चाहे आप इसको थोड़ा सॉल्व कर लेते। चलो डिवाइड 9 9 9 18 कैरी एक, इसको डिवाइड कर लो, देखो मैं करूंगा नहीं, मैं फोन से करूँ, बस हम लोग आंसर चेक करेंगे, हम लोग आंसर चेक कर लेंगे एक बार है। अब समझना कितना लेंदी क्वेश्चन आप लोग सोच रहे होगा, हम लोगों ने एक लाइन में कर दिया, क्लास 8 0.83 यही आंसर आ रहा है। अब देख लो, अच्छा ये संभावना है 0.83 पॉइंट, मतलब चलती रहेगी आगे तक, क्या मैं समझा पाया, समझना क्लास 10th की तरह सॉल्व किया हमने, ये 100,000 तो हमने लेट कर लिया, अरे समझो ना बात को, ये तो हमने गांव की जनसंख्या नहीं पता थी, हम इसको एक्स लेट कर सकते थे, हमने इसके लेट कर लिया, मतलब इस क्वेश्चन को टीचर को समझाना थोड़ा, देखो कितना लॉजिक है, 90% लॉजिक लगा, 10% में आंसर आ गया, इतनी लाइन में 5 नंबर के क्वेश्चन का आंसर आ गया, अगर आप लॉजिक को समझो तो, ये चीज समझ पाए ना। अब इसी बेस पे मैं आपको 12th में आप कैसे करके आएंगे मैं उसको बताऊंगा, बट ये बता दो यार प्लीज, क्या बात समझ आई या फिर नहीं आई, बहुत अलग क्वेश्चन है, मजाक सट के कह रहा हूँ, इससे आप लोग करना अपने स्कूल जहाँ भी जाते करना, या तो टीचर छुड़वा देगा, और छुड़वाएगा भी तो इतनी बुद्धि नहीं लगाया, कह रहे एचआईवी वाले छोड़ो तुम कहाँ पढ़े लफड़े में, ठीक है। तो इसे मैं बताता हूँ, चलो देखो, अच्छा आ जाओ, सुनो भैया आ जाओ, सारे बच्चे आ जाओ, एक इवेंट हम लेते हैं ई, ठीक है, एक हम इवेंट क्या लेते हैं एफ, और जो गिवन है उसको हम क्या ले लेंगे डियर, ठीक है। तो कह रहे पर्सन एक्चुअल एचआईवी, जिसको एक्चुअल में हुई है एचआईवी पॉजिटिव जो है उसकी बात कर रहे हैं, यहाँ पे एचआईवी नेगेटिव की बात कर रहे हैं, क्योंकि दो ही प्रकार के लोग होंगे। और एक गिवन क्या है कि भैया रिपोर्ट एचआईवी पॉजिटिव, जो रिपोर्ट आई मतलब पक्के उन्होंने पहले से बोल दिया रिपोर्ट एचआईवी पॉजिटिव। अब समझना हमसे पूछा क्या गया, सारे बच्चे गौर फरमाएंगे, गिवन क्या है कि एचआईवी पॉजिटिव है, ये रिपोर्ट करा, क्या है कि वो रियल में वो एक्चुअल में एचआईवी हो, तो क्या हमसे ये नहीं पूछा गया है, समझना। अब देखो फॉर्मूला कैसे बनाते हैं बेस थ्योरम का, पीई लिख दो ईवन, ई लिखो चलो, और कर दो उल्टा पी ए वाई ए, अब नीचे टोटल एक बार इसी को चेप दो पीई पी ए वाई ई, या फिर पी एफ और पी ए वाई एफ, ठीक है उल्टा कर देते। अब मैं समझाता हूँ जल्दी से, ये गांव के कोई जनसंख्या है टोटल, इसके अंदर कह रहे हैं कि भैया 0.1% लोग क्या हैं एचआईवी पॉजिटिव है, तो सर ना वही वाला मैं इस डायग्राम से आपको बड़ा सिंपल सा लगेगा, 0.1% हटेगा तो 100 कहाँ पे आएगा नीचे, तो कहने का मतलब 0.001 लोग एचआईवी पॉजिटिव है जनसंख्या का, तो एचआईवी नेगेटिव कितने लोग हैं, 1 से माइनस करो 0., यस और नो। अब इसमें से 90% की बात कर रहे हैं, 90% बोले तो 0.90 और 10% ये पॉजिटिव है, 10% क्या है नेगेटिव है, मतलब 0.10। इधर आ जाओ 99% नेगेटिव है और 1% क्या बता रहा है पॉजिटिव बता रहा है 1%, तो 1% को लिखेंगे 1/100 मतलब 0.01, और 99 को क्या लिखे 0. क्या चमका। अब आ जाओ भाई साहब पीई मतलब पर्सन एक्चुअल में एचआईवी है, ऐसे कितने 0.01
अब सुनना ध्यान से, अब हमको पता लग चुका है कि पर्सन एक्चुअल में क्या एचआईवी पॉजिटिव, फिर भी वो पॉजिटिव है, कितने लोग हैं 0.90 अपॉन, इसी को चेप दो एक बार प्लस। अब सर ना, अब हो सकता है कि हमने जो पर्सन उठाया वो एचआईवी नेगेटिव हो, ये भी तो हो सकता है, तो 0. लेकिन नेगेटिव में अभी तो पॉजिटिव हैं, तो पॉजिटिव वाला कितना है 0. दिस इज योर आंसर, कैलकुलेशन कर लो, वही आएगा लौट के, ये आपको मार्क्स दिलाएगा लिखने के तरीके से, वो आपको नॉलेज दिलाएगा। एक गलती जो कॉमन बच्चे करते हैं, तुम बैकपैक कर रहे हो यार, यहाँ पे बोला 90%, समझना सारे बच्चे गलती कर देगा, वो इसका निकाल देंगे 90%, इसका निकाल देंगे, फिर वो यहाँ पे लिखेंगे, समझना। पहले तो ये कह रहा है PE1, मतलब PE मतलब HIV पॉजिटिव में कितने लोग हैं, इतने। अब हमने पता कर लिया, हम यहाँ पे आ गए, फिर हमने जब ये पता कर लिया कि HIV पॉजिटिव है, बट ये क्या पूरा एक्चुअल में HIV है, एक्चुअल में HIV कितने लोग हैं 0.90, उसको लेंगे यहाँ पे, क्या चमका, ठीक है। तो दिस इज योर आंसर, पूरी कोशिश करी यार तुमको सिंपल वे में समझाने के लिए, फिर भी कोई डाउट पूछ लो एक बार, अच्छा क्वेश्चन है ये। बात इस क्वेश्चन में ये है कि अगर ये समझ गए तो सारे क्वेश्चन समझ जाओगे आप, ठीक है, अच्छा क्वेश्चन था ये।